उत्तर प्रदेश के जनपद फतेहपुर के किशनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत कचरा गांव के निवासिनी रंजना देवी पुत्री संतलाल रैदास ने आज जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देते हुए कहा कि 18/9/2022 को रात समय करीब 11 बजे के आसपास वो बाथरूम करने के लिए गई हुई थी, जहां गांव के ही पहले से घात लगाए बैठे जयचंद्र उर्फ लाल चंद्र रैदास पुत्र रामलाल संदीप धोबी पुत्र उदय प्रसाद छबीलाल लोहार पुत्र शिवपाल ने पीड़िता का मुंह दबाकर उठा ले गए और छबीलाल अपने मामा के गांव गंज थाना किशनपुर में ले जाकर एक कमरे में बंद कर दिया, जहाँ पीड़िता ने बताया कि उसके साथ तीनों ने बारी बारी से बलात्कार किया और दूसरे दिन गाँव के ही फूलचंद रैदास पुत्र रामलाल व कुलदीप कोरी पुत्र बिफाई लाल और मेरे साथ बारी बारी से रेप किया और सभी लोग मारते पीटते हुए धमकी देने लगे कि अगर कहीं पर शिकायत की तो जान से मार देंगे, जहां पीड़िता ने कहा कि वो वहीं कमरे पर बेसुध लेटी रही। और फिर दिनांक 20/9/2022 को सुबह किशनपुर थाने से पुलिस आई और पीड़िता को साथ ले गई, जहाँ पीड़िता ने बताया कि वहाँ के दरोगा राकेश कुमार सिपाही रविंद्री देवी उसे 5 दिन तक वहीं पर रोके रही और मारपीट करती रही और वहीं पीड़िता को भद्दी भद्दी गालियां देते हुए कहा कि जो बयान यहां पर लिखा जा रहा है वही बयान सभी जगह बताना, नहीं तो तेरे पिता और भाई के हाथ पैर तोड़ देंगे और जेल भेज देंगे। पीड़िता ने बताया कि वो इस बात से काफ़ी डरी हुई है, जिस कारण लोग जिस तरह कहते गए वैसे वह करती गई। पीड़िता ने बताया कि दिनांक 24/9/2022 को उसके घर लोगों के साथ उसको भेज दिया गया है, जहां वो अपना इलाज करवाने के लिए चली गई। पीड़िता ने बताया कि जब उसे आराम मिला तब वो अपने पिता भाई के साथ दिनांक 11/10/2022 को किशनपुर थाने गई, जहां कुछ पुलिस वाले थाने के गेट के पास ही मिल गए, जहां पूरी बात सुनते ही वहां से गाली गलौज करते भगा दिया। वहीं पीड़िता ने बताया कि वह इसके पहले 12/10/2022 को पुलिस अधीक्षक से मिलकर इस घटना को शिकायती पत्र दिया था, लेकिन वहां से कोई भी कार्रवाई न किए जाने के बाद न्याय की उम्मीद लेकर पीड़िता जिलाधिकारी की चौखट पर पहुंचकर शिकायती पत्र दिया, जिसे जिलाधिकारी ने एसपी को मारकर पीड़िता को भेजा था और साथ ही अपनी आप बीती बताई और ये भी बताया कि उपरोक्त लोग उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी लगातार दे रहे हैं, जिससे वह और उसका परिवार सहमा हुआ है। अब देखना ये होगा कि इस घटना को जिलाधिकारी कितना संज्ञान में लेते हैं। संवाददाता राजकुमार गुप्ता की खास रिपोर्ट। अच्छा, क्या समस्या है? 18/9/2022 रात 11 बजे